नहीं बेटे नहीं, नहीं भैया, मत पुकारो मुझे भाई कहकर, तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग, दिमाग तबाही बचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती, तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने दोस्तों, बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन भी काफी वक्त से कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, प्रोड्यूस कर चुके हैं और बतौर एक्टर वो कई फिल्मों में नजर भी आ चुके हैं। लेकिन अब वो अपनी एक और बड़ी एक्शन फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान की कसम 2। जी हाँ, दरअसल उनकी इस फिल्म का डायरेक्शन किया था उनके पिताजी यानी वीरू देवगन ने सन 1999 में। लेकिन अब इस एक्शन फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है और इस फिल्म में एक बार फिर से अजय देवगन ही आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने पिता के द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म का डायरेक्शन इस बार अजय देवगन खुद ही करने वाले हैं और वो इस फिल्म में बतौर लीड अभिनेता भी आपको नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो इस फिल्म की कहानी थी एक ऐसी माँ की जिसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था जिनमें से एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था अजय। जुड़वा बच्चों के पिता एक भारतीय सेना अधिकारी थे जो कि युद्ध में मारे गए थे और फिर उसके बाद इनमें से एक बच्चा पाकिस्तान पहुंच गया था। उसका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में किया गया था जिसका नाम बदलकर रख दिया गया था तौहीद। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन ही थे। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में अब अजय देवगन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको काफी सारा एक्शन, ड्रामा और इमोशंस देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो इस फिल्म के पहले पार्ट में हमें अजय देवगन के साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन, प्रेम चोपड़ा और कादर खान जैसे कई बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में नजर आए थे। लेकिन फिल्म के दूसरे पार्ट में हमें अजय देवगन के साथ मनीषा कोइराला की जगह तब्बू नजर आ सकती हैं क्योंकि अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी को बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ी माना जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की कसम 2 में तब्बू लीड रोल में नजर आ सकती हैं। और इनके अलावा एक बार फिर अमिताभ बच्चन भी अपने उसी किरदार में यानी कबीरा का रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो ये फिल्म हमें 2025 तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को एक बार फिर से हिंदुस्तान की कसम 2 में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।